नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने सिटी बस में जमकर उत्पात मचाया और सिटी बस में पत्थर मारकर नुकसान भी कर दिया। कंडक्टर के साथ मारपीट भी की। कंडक्टर ने किराए के पैसे मांगे थे, उसी को लेकर विवाद हुआ था। मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कैट रोड पितृ पर्वत तक चलने वाली सिटी बस अपनी सवारी को लेकर गांधीनगर की ओर आ रही थी। उसी दौरान कालानी नगर से दो बदमाश नैनौद मल्टी तक आने के लिए सवार हुए। नैनौद मल्टी आते ही जब उतरने लगे, कंडक्टर द्वारा इन बदमाशों से किराए के रुपयों की मांग की गई। कहा कि हम यहाँ के बदमाश हैं, हम किराया नहीं देते। इस बात को लेकर कंडक्टर और दोनों बदमाशों का विवाद हो गया और दोनों बदमाशों ने कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी और सिटी बस में भी पत्थर मार कर नुकसान पहुँचाया। कंडक्टर की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। ये कल की घटना है, शाम 5 बजे के करीबन सिटी बस क्रमांक MP09PA0115 ये केट रोड से पितृपुर तक चलती है और सवारियां लाती है, यहाँ तक यहाँ से ले जाती है। कल 5 बजे की घटना है। कुछ सवारी कालानी नगर चौराहे से बैठकर यहाँ गांधीनगर तक आ रही थी। उनमें से दो लड़के यहाँ नैनौद मल्टी के थे, वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे। वो जब नैनौद मल्टी सिद्धार्थ अस्पताल के पास में मेन रोड पे उतरने लगे तो बस कंडक्टर ने उनसे पैसे मांगे, किराए के पैसे मांगे। तो उन्होंने देने से मना बोला, हम यहाँ के बदमाश हैं, गुंडे हैं, हम पैसे देते नहीं। इस बात पर विवाद हुआ। उन दोनों बंदों ने बस के ऊपर पत्थर फेंके, कुछ नुकसान किया है। दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और विवेचना जारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और